नमस्कार, इंडियन टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। जनाब शेख अहमद अली उर्फ संजय भाई के भतीजा फैसल शेख की शादी बड़ी सादगी एवं सुनक तरीके से हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश श्रीमद बलिया की आदर्श नगर पंचायत सिकंदरपुर में उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन को पालन करते हुए शादी समारोह में डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बताया गया कि गरीबों का मसीहा, नौजवानों का दिल का धड़कन, हर दुख सुख में साथ रहने वाले नेता एवं समाज सेवी जनाब हाजी शेख अहमद अली उर्फ संजय भाई के भतीजे फैसल शेख पुत्र राशिद अली शेख की शादी आयशा नसीम पुत्र नसीम शेख निवासी सिकंदरपुर के साथ बड़ी सादगी के साथ सुनत तरीके से निकाह मौलाना साहब के द्वारा पढ़ा गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में दुआ खाने में लोग हाथ उठाकर दुआ मांग रहे थे। अल्लाह इसी तरह से हर मुसलमान सुनत तरीके से अदा करें। मौलाना साहब ने दावा किया कि कहा कि फैसल साहब ने नेक सलाह और औलाद अता फरमाया, जिंदगी सुनत तरीके से खुशहाल और आजीवन साथ रहे। जब मीडिया कर्मी ने जनाब शेख अहमद अली उर्फ संजय भाई से शादी के मौके पर पूछा तो उन्होंने बड़ी ही शालीनता से खुशी इजहार करते हुए कहा कि आज मैं अपने भतीजे की शादी मुबारक को अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी आज मुझे मिली है और ऐसी ही खुशियां अल्लाह देते रहे। उन्होंने कहा कि इस तरह मैं सादगी तरीके से शादी पूरे देश के मुसलमानों से भी गुजारिश करूंगा कि हर मुसलमान इसी तरह से सुनत तरीके से शादी कराएं और पूरा देश खुशहाल रहे। आज जो शादी आपके यहाँ बहुत बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और आज जो शादियाँ आज इतनी सादगी से जो आप मना रहे हैं, ये आज लग रहा है कि एक सुन्नत अदा के करते हुए आज शादियाँ जो हो रही हैं, इसलिए आप क्या कहें? पहली बात यह है कि हमारा देश दैवी आपदा से गुजर रहा है और में मजदूरों में बेरोजगारी है और हमारे इस्लाम में बहुत सादगी दिखाई गई है कि मस्जिद में निकाह पढ़ाओ, स्वागत में करो और एक रुपये का खर्च कहीं इस्लाम में लगाया नहीं है खर्च के नाम पर। लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान की संस्कृति के मुताबिक मैं उन लोगों में मिक्सअप होते होते हम लोगों ने अपने खर्चे को बढ़ा लिया। जब लड़की वाले के पास लड़के वाले रिश्ता लेके जाते हैं और इजाज़त मिल जाने के बाद फिर हमको खुशी होती है कि हमारे लिए लड़की ने इजाज़त दे दिया है, लड़की इजाज़त दे दिया है और हम अब शादियों की तैयारी करते हैं और जो कुछ हमको देना होता है हम बनता है देते हैं और लेते हैं। लेकिन ये रिवाज जो है ना हमारे इस्लाम में नहीं है, जो ये हिंदुस्तान की संस्कृति में रहते हुए और भाई बहनों के साथ रहते हुए हमारी जो माशरा में ढलता गया, बिगड़ता तो मैं नहीं कहता लेकिन हाँ उस माशरे में हम ढलते गए, उस माशरे में ढलते गए। ऐसे मंदी के दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर हम लोग सादगी से करेंगे तो छोटे लोग भी कहेंगे जब संजय भाई के घर में शादी शादी इतनी शादी किसी हुई तो हमारे करने में क्या है। तो उसकी वजह से कि भाई गरीब लोग भी अपनी बेटी बेटियों की शादी बहुत सादगी तरीके से करें, ये एक संदेश मैं देना चाहा। आप आज की शादी जो है आज पूरे देश के मुसलमानों को आज एक संदेश देना चाह रहे हैं? जी जी हाँ, आज संदेश भी दे रहे हैं कि आज मेरे साथ इससे पहले जो भी शादियाँ हुई है इस तरह से नहीं हुई है, जो आप लोगों को संदेश देने के लिए आज इस तरह से जो शादी आप कर रहे हैं ये कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं गुड फील महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने को प्राउड महसूस कर रहा हूँ, फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं इतने बड़े पहल को मैंने किया और हमारे सारे रिश्तेदारों ने, मेरे भाइयों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मेरे भाइयों ने बड़े एक्सेप्ट किया जो कि सारे चार्टर्ड विमान से आए, सऊदीया से हैं हम भाई भाई चार्टर्ड विमान, बहुत 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 बड़ा ये हमारे भाई के वो हाँ आखिरी साहब जाते थे और बेटियों की शादी हो चुकी थी, बेटे आखिरी थे उनकी शादी हो के भाई साहब भी बहुत अपने को महसूस कर रहे हैं आज भी शादी। हाँ बहुत बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा और इतने लोग दुआ देने के लिए आए हुए हैं ये सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक रहते हुए सारे लोगों ने दुआ दिया है और फिर कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो फिर कोई जश्न होगा तो फिर दुआ लिया जाएगा।
बहुत बहुत मुबारक हो आपको आज फैजान भाई, बहुत अच्छा लगा आपको, आप बहुत पहुंच जाते हैं हमारे। लेकिन यहाँ जो संदेश देना था, नहीं हमारे देश अभी उस हैसियत में भी नहीं है, हमारे गांव भी हैसियत में नहीं है और हमारे समाज में हैसियत में नहीं है कि हम एक्स्ट्रा पैसा खर्च करें। अभी हमको आपदा से लड़ना है, जब तक वैक्सीन नहीं बन जाता तब तक हमको सफ़र करना है। हम लोग खाने का पीने का गरीबों को भी देखना है, जो फालतू खर्चा करेंगे गरीबों के यहाँ राशन पहुँचाता आया हूँ और पहुँचाऊँगा। अब पुराना इतिहास भी देख लो, 98 में बाढ़ में देख लो, फिर कोरोना वाले में देख लो, मेरे यहाँ से चला है, चलाता हूँ, कोशिश करता हूँ। और सबसे बड़ी मेहरबानी हमारे भाइयों की होती है कि भाई खुले हाथ से मेरे ऊपर सर पे पैसे रखे रहते हैं, देते रहते हैं, करो। और उनकी रिपोर्टिंग मिलती रहती है कि सही जगह पे पैसा जाता है तो पैसा आना। एक चीज़ और आपसे मैं अंतिम सवाल ये पूछ रहा हूँ, अभी जो आपने कोरोना आपदा को लेकर के गरीबों की मदद के उद्देश्य से लेकर के जो आपने ये काम कर रहे हैं, ये बहुत ही तारीफ़ी काबिल है। लेकिन एक तरफ ये है कि क्या ये कोरोना काल खत्म होने के बाद शादियाँ फिर ये बदल जाएगी कि इसी तरह से होती रहेगी? मेरी अल्लाह से दुआ है कि इसी सादगी से, इसमें दिखावा करने से अच्छे अच्छे लोगों की ज़मीनें बिक जाती हैं, घर बिक जाते हैं दिखावा देने की, कर्ज में मबलूद हो जाते हैं और कर्ज भरते भरते उनकी जवानी बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है। हम खुदा से तो दुआ है कि अल्लाह ताला ने अगर रास्ता किसी वजह से ये कोरोना के माध्यम से ही दिखाया है, रास्ता तो बहुत पहले से दिखाया है लेकिन हम बिगड़ चुके थे, लेकिन कोरोना के माध्यम से अगर ये रास्ता दिखा रहा है तो अल्लाह से और पूरे आवाम से गुजारिश है कि इसी रास्ते पर हम साथी के साथ हम चलें और अपने एनर्जी को अपने पैसों को बचाएं और नेक कामों में लगाएं। अभी दुआ खानी जो हो रही थी जिसमें मौलाना साहब जो है आज बड़ी सादगी से दुआ खानी में दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह इनके नस्ल से जो औलाद हो सालेह हो नेक हो, इस पर क्या कहना चाहते हैं? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी थी और उस वक्त हम अदा करते हैं, और कौन इंसान नहीं चाहता कि मेरा नेक साले औलाद हो, नेक साले औलाद कौन इंसान नहीं चाहता कि नेक साले औलाद हो, अल्लाह ताला अता फरमाता है और उसको हम लोग देख देख करके उसको सजाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उसको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुआ मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला कोई इंसान अच्छा बना दे और अल्लाह ताला सुनते हैं हमारी बातों को। जो लोग अपने अपने धर्मों को अपने अपने धर्मों से मांगते हैं कि हमको भाई नेक साले बना दे, पुत सपूत धक्का धन संचय, कुपूत कपूत धक्का धन संचय, कोई कपूत नहीं चाहता, सारे लोग चाहते हैं सपूत मिले कि धन संचय न करना पड़े और ये पीढ़ी चलाने के लिए कि पीढ़ी चले, वंशज चले और अच्छे इंसान पैदा हो। हम लोगों की ज़िंदगी कितने दिन की है, कितने दिन के मेहमान हैं, निकल जाएंगे, आने वाली पीढ़ी हमारी जो है हमारे कदमों पे, हमारे नस्ल में हमारे बाप दादाओं के नस्लों पे जो चलते रहे, दान पुण्य करते रहे, दान पुण्य करें। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।